सब लोग किचन विद नॉलिन में मैं हूँ आपके साथ। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की होती है और सबको बचपन से ही बहुत पसंद होती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पाइनएप्पल पेस्ट्रीज़। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो आपको नज़र ही आ रही होंगी। और उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम चीज़ों से ये पेस्ट्री तैयार होगी। तो सबसे पहले हम इसका केक बनाएंगे। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 100 ग्राम मैदा और 100 ग्राम ही मैंने ले ली है चीनी, 4 अदद ले लिए हैं मैंने अंडे, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और यहाँ पे मैंने लिया है वेनिला एसेंस, ये मैं लूँगी 1 टीस्पून। तो चलो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लिए मैंने 4 अदद अंडे और मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है और इसके अंदर मैं डालूँगी ये चीनी। और चीनी मेरे पास जो है वो बहुत बारीक होती है, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो पाउडर नहीं किया। अगर आपकी मोटी है तो आप उसको पाउडर कर लीजिएगा। तो चले मैं इसको बीट करना स्टार्ट करती हूँ। इसको हमने इतना बीट करना है कि ये जो है क्वांटिटी में डबल हो जाए, बिल्कुल फ्लफी सा हो जाए ये। तो इतना हम इसको बीट करेंगे। तो ये देखिए, ये काफ़ी सारे जो है वो अच्छे से जो है बीट हो गया है, काफ़ी डबल सा हो गया है ये। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर वनीला एसेंस। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मैदा। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया और मैदे के अंदर मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इसको मैं अब छान लूंगी और छान के हम इसको डालेंगे। पहले इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा और फिर हम इसको छान लेंगे। तो मैदे को मैंने छान लिया है, अब थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदा इसके अंदर डालूंगी और इसको फोल्ड करूंगी ऐसे। और इसको जो है हमने बहुत ही हल्के हाथ से करना है, इस तरह से फैला फैला के डाल देंगे। और इसमें जो है बीटर को हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और मैंने जो इसको विस्क करने के लिए अंडों को बीटर यूज़ किया था, तो इसका ज़रूरी नहीं है कि आप बीटर ही यूज़ करें, आप इसको हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है वो, लेकिन हो जाता है वो। और कोई इसके अंदर बटर, ऑयल, कुछ भी घी वगैरह नहीं डलता इसके अंदर। बस इस तरीके से नीचे बॉटम तक लेके जाएंगे ताकि कोई हमारा जो मैदा वगैरह है वो अंदर ना रहे। इसी तरीके से इसको करेंगे हल्के हल्के। तो ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो इसके अंदर मैंने मैदे को मिक्स कर लिया है। फिर भी अगर लगे तो इस तरह से कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर है नहीं। तो बस ये देखिए, ये रेडी हो गया और ये कितना फ्लफ़ी सा हो रहा है। बस इसको इस तरीके से रखना है, अगर हम इसको बीटर से करेंगे तो ये इतना फ्लफ़ी नहीं होगा और हमारा केक अच्छा भी नहीं बनेगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अदद टिन, तो इस टिन को जो है मैंने ग्रीस कर लिया है। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर बैटर। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। सारा डाल देंगे इसके अंदर। तो ये देखें, इसके अंदर मैंने डाल दिया है सारा। और थोड़ा सा मैंने बच्चों के लिए ये 2 कपकेक्स के अंदर भी डाल दिया है, हमजा और फातिमा के लिए। तो मैं इसको बेक करूंगी अपनी पतीली के अंदर, कढ़ाई के अंदर। तो चले इसको हम बेक करते हैं। और मैं इसको बेक करूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने रख दी थी अपनी कढ़ाई को, ये देखें अच्छे से प्री हीट हो गई है। तो इसके अंदर मैं रखूँगी एक स्टैंड, आप कुछ भी कटोरी वगैरह रख सकते हैं। और उसके ऊपर रख दूँगी मैं ये अपने केक को। और इसको जो है मैं ये इससे कवर नहीं होगा,
तो इसके ऊपर मैं तसला ढकूंगी, क्योंकि ये ऊपर जब आएगा तो ये इस पर लगेगा और ये पूरा बंद भी नहीं है। तो इसको मैं ढकती हूँ और हम इसको देखेंगे 30 मिनट के बाद। तो ये देखिए, ये भी मैंने छोटे वाले कपकेक्स भी रख दिए हैं इसके अंदर ही। तो बस ये मैं अब इसको ढकूंगी। इतना ज़बरदस्त सा केक तैयार हुआ है, और मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में इतना ज़बरदस्त केक बन के तैयार हो गया है। और वो जो छोटे वाले थे वो मैंने निकाल लिए कपकेक्स, तो अब मैं इसको निकालती हूँ और ठंडा करती हूँ, और फिर हम इसके ऊपर क्रीम की लेयरिंग करेंगे। तो ये देखें, छोटे वाले भी जो है तैयार हुए हैं, और कितने अच्छे से ये बेक हो गए। तो बस मैं इसको निकालूंगी इसमें से, और अभी बड़े वाले को जो है वो अभी ऐसे ही छोड़ दूंगी थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए, और फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको आगे का जो काम है वो करेंगे। माशाल्लाह, कितना अच्छे से जो है केक हमारा बेक हो गया। और ये देखें नीचे से भी देखें, और ये देखें कितना फ्लफी है ये। तो अभी ये गर्म ही है, इसको 4-5 मिनट भी नहीं हुए अभी, और मैंने इसको निकाल लिया था। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी फ्रीज़र में, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और मैं इसको जल्दी से जो है फिर स्लाइस कर सकूँ। तो अभी तो इसको बिल्कुल भी नहीं स्लाइस कर सकते, क्योंकि ये अभी तो फ़ौरन टूट जाएगा, इसमें से धुएँ भी निकल रहा है। तो मैं इसको रखती हूँ तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको स्लाइस करेंगे। और जब तक हम करते हैं अपनी क्रीम को बीट, तो मैं क्रीम लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले ली है फ्रेश क्रीम, और ये मैंने ली है 1 कप है ये। तो अब मैं इसको करूँगी बीट। और जो मेरे पास क्रीम होती है, मैं मैकटॉप की यूज़ करती हूँ, तो ये मीठी ही होती है, इसके अंदर शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी डालना चाहें तो 1 टेबल स्पून के बराबर डाल सकते हैं। तो मैं इसको व्हिप करूँगी। तो ये देखें, अच्छे से जो है ये व्हिप हो गई है। तो बस इसको मैं रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि अभी जो है 5 मिनट नहीं हुए हैं और केक ठंडा नहीं हुआ। ये देखें कितने अच्छे से ये 2-3 मिनट में ही जो है ये व्हिप हो जाती है। और ये जो क्रीम है मेरे पास, ये इसका जो टेट्रा पैक है, मैं 1 kg वाला लाई थी, 1 लीटर वाला, तो वो मैं लेकर आई थी फेब के स्टार्ट में। और अब देखें आप, अप्रैल जो है और तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, और ये खुली हुई रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, और ये बिल्कुल सही है। तो ये बहुत ही अच्छी होती है, तो मैं हमेशा यही वाली यूज़ करती हूँ। तो केक ठंडा हो गया है, तो अब मैं करूँगी इसके स्लाइस, और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं करेंगे इसके स्लाइस। ये इतना सॉफ्ट है कि ये कट भी ज़रा मुश्किल से रहा है। तो ये देखिए, एक स्लाइस मैंने काट लिया है, इसी तरीके से मैं इसके अंदर से और देखिए, यहाँ पर मैंने जो है केक को स्लाइस कर लिया है, और यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये मेरे पास पाइनएप्पल जूस है, ये फ्रेश है। अगर आपके पास ये ना हो तो जिस जो इसका सिरप होता है पाइनएप्पल का, जो टिन के अंदर होता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं हो तो आप थोड़ा सा पानी लेके उसमें 1 टेबल स्पून चीनी डाल के वो चीनी का पानी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से हमारे केक को मॉइस्ट कर देगा। और यहाँ पे मैंने ले ली है क्रीम, ये मैंने अभी व्हिप्ड की है आपके सामने, और ये थोड़ी सी भी टिन के अंदर से ही जो है ये चेरीज निकली थी, तो ये मैंने अलग कर लिए। मेरे पास एक्चुअली मिक्स फ्रूट का कैन था, तो उसमें से मैंने ये निकाल लिए हैं पाइनएप्पल्स। तो चलिए अब हम इसकी लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है इसकी 4 लेयर बना ली है। देखिए कितने अच्छे से ये केक जो है मेरा बेक हुआ है, कि इसकी अच्छी अच्छी सी जो है, देखें कितनी थिक सी जो है वो 4 लेयर बन गई। लेकिन मैं जो है इसको 3 लेयर केक बनाऊंगी, पेस्ट्रीज बनाऊंगी। तो ये मैं इसको इस तरीके से रखूंगी, और 1 by 1 जो है इसके लेयरिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं इसको मॉइस्ट करूंगी। ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हुआ हुआ है केक, तो थोड़ा डालूंगी बिल्कुल, और अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर क्रीम। ज़्यादा लगाऊंगी, क्योंकि जितनी क्रीम होगी उतना मज़े का लगेगा। अब मैं डालूंगी इसके ऊपर पाइनएप्पल्स। आप इसको छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी ही छोटे ही हैं, तो मैं इसको इस तरीके से सारे सेट कर दूंगी। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं।
तो ये देखें अच्छे से मैंने लगा दिया। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर और लगा दूंगी क्रीम, बिल्कुल थोड़ा सा। वैसे यूजुअली जब हम बेकरी से लेके कभी ये खाते थे बचपन में तो इतने ज़्यादा तो इसके अंदर नहीं होते थे, पाइनएप्पल बहुत ही एक आध कहीं आता था, लेकिन अब हम घर में बना रहे हैं तो हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैं रख दूंगी इसके ऊपर दूसरा स्लाइस। इसको भी मॉइस कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है पाइपिंग बैग के अंदर डाली है क्रीम, थोड़ी मुझे ऐसा लगता है कि इससे आसानी हो जाती है, और इस वाले को भी मैंने मॉइस कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर क्रीम लगाऊंगी। ये थोड़ा इजी रहता है मुझे ऐसा लगता है। पाइनएप्पल रखूंगी इसके ऊपर। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ दोबारा से, जो मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ ताकि ये जो हमने पाइनएप्पल डाले हैं ये इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाए। बस इस तरीके से हल्का सा, या फिर मैं कभी कभी इस तरह भी करती हूँ कि पाइनएप्पल के चंक्स को बहुत बारीक बारीक से कर देती हूँ छुरी से, और फिर उसके क्रीम के अंदर इसको मिक्स कर देती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। चलिए अब मैं लास्ट लेयर रखूँगी इसके ऊपर। वैसे तो ये 2 लेयर भी बिल्कुल सही बनती, लेकिन मैं इसको 3 लेयर्स बना रही हूँ, तो इसको भी मैं मॉइस्ट करूँगी। तो बस इसको मैं बिल्कुल फ्लैट कर लूँगी तीसरी वाली को। और जो एक लेयर मेरी बच गई है, मैंने 4 लेयर बनाई थी, तो उससे जो है मैं एक पेस्ट्री और तैयार कर लूंगी। मेरे घर में ज़्यादा जो है वो चॉकलेट केक्स वगैरह नहीं खाते बच्चे, और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, तो उन लोगों को ये वाला पसंद है, तो इसलिए मेरे घर में काफ़ी दफ़ा ये बनता है। पहले थोड़ा सा इसको नीट करूंगी, फिर मैं वो लगाऊंगी। तो ये देखिए केक को जो है वो मैंने क्रीम से कवर कर दिया है बिल्कुल, तो इसको जो है अब मैं कट करूँगी, और फिर बाकी जो इसकी डेकोरेशन है वो मैं इसको कट करने के बाद करूँगी। तो चले मैं इसको स्लाइस करती हूँ। तो बस अंदाजे से तो इसको मैं करूँगी कट बिस्मिल्लाह करके। बहुत ही ये सॉफ्ट हो रहा है केक अभी, तो इसको बहुत ही आराम से मैं करूँगी कट। और नीचे पाइनएप्पल आप ये आ रहे हैं इसके, तो यहाँ पर देखें इसको मैंने जो है वो एक ट्रे में निकाल लिया है, 3 निकाली है मैंने, और अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। तो यहाँ पर मैं इसके बनाऊंगी एक छोटा सा फ्लावर इस तरह से, और यहां पे रखूंगी मैं पाइनएप्पल। और एक रख दूंगी इसके ऊपर चेरी। तो इसी तरीके से ही मिला करती थी ये, मेरे घर में तो ये बहुत पसंद करते हैं बच्चे वगैरह, तो मैं बनाती रहती हूँ अपने घर में। ये देखें
और इसके अंदर कोई बटर नहीं डाला, इसके अंदर कोई ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं, और इतनी मज़े की ये बनती है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आपको अच्छी लगेगी। और देखें इसकी लेयरिंग भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें। और ये जो एक बच गया है इसकी भी जो है मैं एक बना लूँगी, क्योंकि इसको इस तरीके से कट करेंगे कि तीन लेयर्स बन जाए इसकी। तो ये देखें ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो गई है। तो आप लोग इसको रमज़ान में भी बना सकते हैं, अफ्तार पार्टी वगैरह पे, और ईद पे भी बना सकते हैं, ईद की ट्रॉली के लिए। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।